मैम काटना नहीं, वो पहले रख। बस ऐसे काटना नहीं, बस ऐसे रख। तो आज हम भी यहाँ जांच भी करेंगे उनकी, तो जो भी होगा यहाँ कंसल्टेंट बैठे हैं, तो ये क्या बेनिफिट किस लिए, क्या जरूरत? ये तो मैं सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहूँगी केशव चोपड़ा जी का, जिनके ये सोसाइटी है संवेदना और मेधांता के साथ इन्होंने इनके साथ एसोसिएट करके इनके भी जो लोग हैं कि उन्होंने ये मेडिकल कैंप लगाया है। ख़ास तौर पे इनका मकसद ये है कि आज की डेट में लोग थोड़ा सा अपने हेल्थ के बारे में इतना ख्याल नहीं रखते, तो मुझे लगता है इसमें दो इशू हम इसमें एड्रेस कर सकेंगे। एक तो आपका अवेयरनेस भी जाती है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, दूसरा मेडिकल टेस्ट यहाँ पे फ्री में हो जाएंगे और मेधांता के डॉक्टर आए हैं यहाँ पे। ये लोग अदरवाइज मेधांता दूर दिल्ली जाना, पहुँचना, मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये बड़ा अच्छा इनका इनिशिएटिव है कि लोगों को यहाँ पे ये ट्रीट भी करेंगे और अगर कोई टेस्ट भी हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे ECG हो जाएगा, लीवर टेस्ट हो जाएंगे, ब्लड टेस्ट हो जाएंगे और कार्डियोलॉजिस्ट इनके यहाँ पे बैठे हैं, अवेलेबल है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। फिर एक इशू एक और था, मेरे को भी ये कंसर्न था कि जो लोगों का अगर आज यहाँ पे रिपोर्ट, हम तो ये चाहते हैं कि सबकी रिपोर्ट्स ठीक हों, अगर रिपोर्ट्स ठीक नहीं होंगी तो अगर जो ट्रीटमेंट रहेगा उसके लिए इनको डॉक्टर को टाइम एंड अगेन मिलना पड़ेगा, ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा कि यहीं पर रहेगा, तो इन्होंने बताया कि जो डॉक्टर हैं वो फिर हर महीने यहाँ पर आते भी हैं, अभी महीने में दो बार भी आ जाते हैं और इन केस ऑफ एमरजेंसी वो अवेलेबल रहते हैं टेलीफोनिकली भी, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म आज कर लिया और बात ख़त्म होगी, तो ये अच्छा इनका वेल थॉट ये इन्होंने प्लान किया है कि कैसे दिखाना है और कैसे आगे लोगों को रेगुलर ट्रीटमेंट भी मिले। थैंक यू। देखिए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता के डॉक्टर शांतनु, वो यहाँ पर है, फ्री मेडिकल कैंप्स भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। यही प्रयास संवेदना सोसाइटी का रहता है कि किस प्रकार से हम लोग मैक्सिमम लोगों तक बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ डोर स्टेप पर लेकर जाएं। ये स्टाफ यहाँ का बड़ा बिजी रहता है, लोगों की सेवा में हर समय ये लोगों का काम करते हैं, तो हमने एक प्रयास किया कि इन सबके लिए यहीं पर जो है वो इनके ऑफिस खुश रहे।